दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मैं आज के बाद मायके नहीं आऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीमा किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे अपने पति के थोड़ी तेज बोलने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर आई तो देखा वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। दीदी, आप मेरी बात समझने की बजाय जीजाजी की गलत बातों के समर्थन कर रही हो। आपको पहले बता दिया था, फिर भी आप अरे इस समय बुरा मानने की क्या बात है? रीमा ने बातों से अंदाजा लगा दिया कि उसकी ननद नंदोई का फोन है, लेकिन बात किया हुई ये तो कभी अपनी दीदी जीजाजी से ऐसी बात नहीं करती। वह सोची रही थी कि तभी दीदी सुनो तो अपने भाई की बात पूरी सोने बगैर उसकी ननद ने फोन काट दिया। क्या बात है दीदी, नाराज क्यों है? उसका प्रश्न सुनकर उसके पति ने चिल्लाते हुए उसे सारी बातें बताई। उसकी बातों सुन रीमा संतर रह गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि दीदी जीजाजी इतनी सी बात का इतना बुरा मान जाएंगे। रीमा की शादी को 15 साल हो चुके थे। उसके पति 3 बहन भाई है। उसकी ननद की शादी हो को 20 साल हो गए और वो अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल में रहती है। सबसे बड़े भाई भी परिवार सहित पिछली गली में रहते और सबसे छोटे रीमा के पति क्योंकि उसके साथ ससुर उनके साथ ही रहते थे, इसलिए उसकी ननन पहले वहीं आती थी। सास ससुर को गुजरे 3-4 साल हो चल गए थे, लेकिन सब यथावत चल रहा था। रीमा की ननन हर साल राखी से एक दिन पहले शाम को आ जाती थी और दोपहर तक दोनों भाइयों के घर तैयार कर वापस चली जाती थी। उस दिन भी दोनों ने उनकी खुद आवभगत की। अगले दिन सुबह रक्षाबंधन की शगुन के बाद रीमा ने उन दोनों को अच्छी से नाश्ता पानी करवा दिया। इन सब में 10 बज गए। समय ज्यादा होता देख रीमा के पति ने कहा, अब तुम भी अपने मायके के लिए निकल जाओ, वरना लेट हो जाओगी तो मेट्रो में भीड़ ज्यादा मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन दीदी तो यहीं पर है, अभी कब कहीं बुरा ना मान जाए कि मैं उनको छोड़कर अपने मायके चली गई। अरे वो क्यों बुरा मानेगी, राखी तो उन्होंने बांध दी, शगुन भी दे दिया और शाही नाश्ता भी तुमने करा दिया है। वैसे भी कल जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि खाना बड़े भैया के घर खाएगी, फिर तुम्हारी भाभी भी तो अपने मायके जाना होगा। तुम जाओ, मैं तो हूँ यहाँ पर। अपने पति से आश्वासन कर वो मायके के लिए निकल गई और जिसका डर था वही हुआ। रीमा ने सोचा उसकी वजह से बात बिगड़ी है तो वही उसे सुलझ जाएगी। उसने अगले दिन अपनी ननन को फोन किया, लेकिन वह ने फोन नहीं उठाया। रीमा को चिंता होने लगी, वह इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्तों को बिगड़ने देना नहीं चाहती थी। उसने अपने पति से दीदी की ससुराल चलकर बात करने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन रीमा के समझाने पर मान, लेकिन ये क्या, उसकी नंदोई ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उनका कहना था कि रीमा को उन्हें यूं छोड़कर अपने मायके नहीं जाना चाहिए था, लंच की बजाय नाश्ते में उन्हें टकरा दिया, ये तो घर बुलाकर बेइज्जती करने वाली बात हुई। साथ ही साथ दोनों ने दबे शब्दों में कह दिया कि आज के बाद यहाँ ना आए। इसकी तो रीमा व उसके पति ने कभी सपने में भी कल्पना ना की थी। इनकी छोटी सी बात को उसके ननन नंद इतना तुल दे देंगे। दोनों ने उसके बाद भी उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। हाँ, जिस बड़े भाई भाभी से उनकी कभी बनती नहीं थी, उनके यहाँ आना बदसूतर जारी था। दोनों को पूरी उम्र थी भाई दूज पर तो दीदी जरूर आएगी, लेकिन नहीं, वह बड़े भैया के घर को कहीं चली गई। अब उन दोनों ने अपने मन को समझा लिया था। हाँ, दोनों को इस बात की तसल्ली थी, वो ने अपनी तरफ से रिश्तों को बसाने की पूरी कोशिश की।
अभी इन बातों को साल भर की ना हुआ था कि अपने बड़े भाई से रीमा के पति को पता चला कि दीदी को कैंसर है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनकर दोनों पति पत्नी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। दोनों उनसे हॉस्पिटल मिलने गए, लेकिन दीदी और जीजानी ने उन दोनों से ना बोलने की मानो कसम उठा ली थी। अभी उन्होंने उनसे सीधे मुंह बात ना की। डॉक्टर से पता चला कि दीदी का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जीने को कई साल भी जी सकती है। और 15 दिन बाद दीदी अपने घर वापस आ गई। दोनों उनसे मिलने उसकी ससुराल गए, लेकिन दीदी जीजाजी ने बड़े रुखाई से बात की। रीमा और उसके पति ने अब सोच लिया था कि उनके कारण अगर दीदी को तकलीफ होती है तो वह उनसे अब नहीं मिलेंगे, बस भगवान से दुआ करेंगे कि उन्हें जल्दी स्वस्थ करे, लंबी आयु दे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। रीमा के जेठ के बेटे की सगाई थी। 4-5 दिन पहले रीमा के पति का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया। सगाई वाले दिन रीमा की ननंद को वह दोनों कहीं नजर नहीं आए तो उसने रीमा के बच्चों से पूछा। बच्चों ने उन्हें एक्सीडेंट और पैर में प्लास्टर की बात बताई। भाई के एक्सीडेंट की खबर सुन रीमा की ननंद के आंसू निकल आए। उसने अपने पति को चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। पति की शेरी के भाव देख वो चुप रह गई और उसने भी अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया, लेकिन उसने सोच लिया था कि घर जाकर अपने पति को किसी न किसी तरह से मनाई लेगी। वैसे भी मेरा जीवन का क्या भरोसा, वो दोनों ही तो कितनी बार मुझसे माफी मांगने आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझ में इतना अहम भर गया कि इतनी छोटी सी बात को दिल से लगा बेटी। फिर ये भी तो उसे अपनी इज्जत का सवाल बना बैठी थी, लेकिन अब और नहीं। मरने से पहले मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। सगाई के बाद शाम को ही वह अपने ससुराल वापस चली गई। घर पहुँचते उसने अपने पति के सामने अपनी बसी हुई सांसों की दुहाई देते हुए अपने छोटे भाई भाभी से मिलने की जिद पकड़ ली और आखिर में उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक है, कल सुबह मिलने चलते हैं। रीमा की ननद ने एक बार तो सोचा कि भाई को अभी फोन कर दे, लेकिन घड़ी पर नजर रोड़ाई, रात काफी बीत गई थी, वह सो गए होंगे। ये सोच उसने उन्हें तंग करना सही ना समझा और फोन पर मैसेज करते हुए लिखा, कैसा है तू, नाराज है क्या, अब भी अपनी बहन से तेरी नाराजगी बनती है छोटी। तुम दोनों ने अपना हर फर्ज निभाए, लेकिन मैं शायद इस मान के लायक ना थी, मैं हूँ ऐसी, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। वैसे भी मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा, लेकिन तुझसे मिले बगैर नहीं जाने वाली, मैं कल में आ रही हूँ छोटे, मुझे माफ कर दोगे ना, बहुत दिन दुखाया है मैंने तुम्हारा, लेकिन कहते ना जाने वाले को तो दुश्मन भी माफ कर देते, फिर मैं तो तेरी बहन हूँ, सर कल आकर ढेर सारी बातें करूंगी और रीमा से मेरे लिए कसोरी और आलू की सटपटी सब्जी बनवा कर रखना। सुबह उठकर जब रीमा के पति ने फोन पर मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें भर आई। रीमा भी खुश थी कि चलो देर से नहीं, लेकिन दीदी की गलतफहमी दूर हो गई और वह उनके स्वागत के लिए रसोई में उनकी मनपसंद कसोरी बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके जेठ का फोन आया, जिसे सुनकर उन्हें विश्वास ही ना हुआ। जिस दीदी के आने की वह तैयारी कर रही थी, वह तो उनको इंतजार करवाता छोड़कर रात की इस संचार को विदा हो गई। सुन रीमा के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उसके पति का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसके मुंह पर भी एक ही बात थी, दीदी आप मुझसे बिना मिले क्यों चली गई। दोनों पैरों में ताजा प्लास्टर होने के कारण वह अपनी बहन के अंतिम दर्शन करने के लिए भी ना जा सका। दोस्तों रिश्तों के बीच कभी भी एम को आड़े आने ना दे, छोटी छोटी गलत फहमियों की गांठों को समय रहते सुलझा दे, वरना पता नहीं जिंदगी फिर मौका दे या ना।